नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। परसोत्तम सिंह चाड़क जी जुड़ेंगे मेरे साथ, जिन्होंने एमपी का एक फॉर्म भरने के लिए एक कहीं ना कहीं आगे आए थे, लेकिन अपोजिशन यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो फॉर्म था उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, फाड़ दिया। लेकिन उसके बाद परसोत्तम सिंह जी कहीं नज़र नहीं आए। क्या परसोत्तम सिंह जी की पॉलिटिक्स वहीं ख़त्म हो गई या आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हो सकता है स्टेट असेंबली के इलेक्शन आए और स्टेट असेंबली में कहीं ना कहीं परसोत्तम जी आगे दिखे। परसोत्तम जी, क्या लग रहा है आपको? जिस हिसाब से आप एमपी इलेक्शन के लिए तैयार हुए थे, एक मीटिंग हुई थी आपके गाँव में, लोगों ने समर्थन भी दिया था, लेकिन आपने अपना फॉर्म जो था वो फाड़ दिया था, आखिरकार क्यों? वही बात ऐसे है कि आज का जो सिनेरियो है, जो हमारे लीडर्स लोग हैं, खासकर बड़े बड़े लीडर्स, वो आम आदमी को आगे नहीं आने देते। हम सोशल एक्टिविस्ट से शुरू हुए थे, अच्छे करते रहे थे काम। आज बहुत देर के बाद मैं दोबारा कैमरे पर आया हूँ, यही बात सबको बताने के लिए कि आम लोगों के लिए इस पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं। क्यों? कि जब भी कोई, जैसे मैंने लोगों को पहले पूछा, अपने गांव के लोगों को पूछा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को दिया कि हाँ भाई ठीक है, आप समर्थन मिला था, मिला, आप भी थे, आपने कवर किया, अच्छा है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारे बड़े लीडर जो एमपी की इलेक्शन यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जम्मू रियासी से, तो अगर बोलो तो मैं नाम लेता हूँ, अगर नहीं तो आप सबको पता है कि जम्मू रियासी से कौन कॉन्टेस्ट किया, उनकी सेंटर की जो लीडरशिप थी वो भी उनके साथ थी, ठीक है। उन्होंने मेरे को बुला के बोला कि भाई ऐसा है कि इस वक्त कॉन्टेस्ट जो है वो नेक टू नेक है, इसलिए आप बीच में आ जाओगे तो फिर यो। तो हमें भी पता था कि हमारे जो माननीय तीसरी बार उधर पहुँचे हैं, जो अपनी बुलेट ट्रेन को बजीपुर में ले गए थे, वह वहाँ पे पहुँचे, तो हम भी बोलते थे कि वो रुक जाए, इसलिए हमने उन्हीं के समर्थन में, जो उनके अपोजिशन के कांग्रेस के थे, उनके समर्थन में और सोलंकी जी और यादव जी के सामने पर्चा फाड़ा। उसके बाद सोलंकी जी जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, क्या कोई रास्ता हुआ, कोई बातचीत हुई, या आपने कांग्रेस ज्वाइन की या नहीं की? आपने मेरी बात बीच में कट, उसके बाद इन्होंने मेरे को मुँह ही नहीं दिखाया, मैं इनका पूरी कन्वेंसिंग तक किया, पूरा हर डोर टू डोर गए हम इनके लिए, लेकिन हमें हासिल क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ हमें। उसके बाद किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपने कोई मेहनत की थी, कुछ गए थे, किसके पास गए थे, किया कुछ, क्या मतलब नथिंग। ये क्या हुआ कि पॉलिटिक्स हमारे साथ खेली गई, हमें इतनी पॉलिटिक्स आती नहीं, हमें सोशल वर्क खेली नहीं गई, आपके ऊपर पॉलिटिक्स हावी हो गई, हावी हो गई या खेली गई, जो भी है, एनी हाउ। फिर उसके बाद हम गुम हो गए, गुम के बाद नहीं आए, क्या करना था आगे, लेकिन हम जो अपना काम था वो हमने जारी रखा। परसोत्तम जी, एक सवाल और रहेगा मेरा, अब हो सकता है विधानसभा के चुनाव जल्द अनाउंस हो जाए, और आने वाले वक्त में क्या परसोत्तम सिंह इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे या किसी पॉलिटिकल दल के साथ? बात ऐसे है कि अब रियासत में रहा क्या है इलेक्शन लड़ने के लिए, मुझे ये बताया गया ना पहले, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियासत में अब इलेक्शन का रहा गया? सीएम एज ए काउंसलर, काउंसलर भी नहीं, शायद उससे भी नीचे चला गया सीएम की। मुझे बताया जाए कि हमारे जम्मू वाले, जो हमारे जम्मू के लोग आज भी गली में बड़ी बड़ी बाइटें दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मुझे बताया जाए। पहले हमारी स्टेट को तोड़ा गया, कोई नहीं बोला, डीजे बजाया गया, भंगड़े डाले गए, तबाह हुए, लड्डू भी बांटे। उसके बाद हमारे से अब रिसेंटली जो पावर्स उनको दे दी गई हैं, कहाँ गए वो वादा कि हमारा अब कब स्टेटहुड मिलेगा, कहाँ गया? अब क्या आप नहीं समझते कि वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? क्यों क्यों स्टेट देने से पहले इन्होंने ये पावर्स गवर्नर को दे दी? हमारे पर, हमारे जम्मू पर, मेरे गुलशन भाई जी, हमारे जम्मू पर रोना आता है। हमारे जम्मू पर वो बंदा राज कर रहा है जो 2,80,000 वोटों से हार के आया हुआ है, जिसको उधर की जनता, की यूपी की जनता ने उखाड़ के फेंका था, वो हम पे राज कर रहे हैं। मैं चीज़ आपसे और पूछूंगा, हम बंच, हम हैं, हमारी स्टेट थी, हमारी प्यारी स्टेट है, हम लोगों के लिए उन्होंने सेक्रीफाई किया ना, हम लोगों के लिए, और हमारे ही लोग जब उनकी स्टेट टूटी तो भंगड़े डालते हैं, किस लिए? मैं एक बार और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे बहुत से जो थे रायपुर सभा के या जो भी हमारे थे, उन्होंने बहुत एजिटेशंस की, किस बात की छुट्टी दो, छुट्टी मिली, जब स्टेट नहीं है तो छुट्टी किस बात की? अरे स्टेट लो, जीना चाहते हो तो स्टेट लो। आप देख रहे हो हमारे बच्चों के वो पेपर्स भी बाहर शायद जा रहे हैं, आगे IIT IIM इधर बने हुए हैं, कोई ये नहीं पूछता कि हमारे उधर बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, क्या है? हमें नगरोटा वाले
मैं नगरोटा में रहता हूँ ना, आपको पता है नगरोटा में रहता हूँ, अब उधर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इलेक्शन किस किन, जब भी मैं दोबारा देखना अगर मैं इनिशिएटिव लिया, दोबारा इनिशिएटिव लिया, तो यही लोग दोबारा मेरे दरवाजे पे खड़े होंगे। क्या पुरुषोत्तम सिंह जी इनकी बात मानेंगे? क्यों मानेंगे, मुझे बताए ना, मुझे आज तक हम भी इनका तमाशा देख रहे हैं, और जब जब हमने इनको एक्सपोज करना शुरू किया ना, तो फिर इनको पता चल जाएगा कि पुरुषोत्तम सिंह क्या है। नहीं, क्या 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 लग क्या रहा है कि इस वक्त देखिए केंद्र में फिर भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल पावर में है, और सबसे बड़ी बात 3 MP 2 MP जो थे वो दोबारा ही नहीं गए, लेकिन कश्मीर में ये कमल खिला नहीं पाए, और यहाँ बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कमल खिलेगा, क्या लग रहा है खिलेगा कमल? क्या आपने और क्या ये हमारी अपोजिशन ने, क्या किसी ने, मैंने फिर ये एजेंडा उठाया था, अगर बीजेपी के पास 370 तोड़ने के बाद इतनी पावर थी, अगर मैं 370 इतनी बुरी थी और हमारे लोगों को इतनी अच्छी लगी कश्मीर में, तो ये 3 सीटों पर इन्होंने किसकी मदद की, इसका सवाल आज तक मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे बताया जाए अनंतनाग में हमारे यहाँ के परवारी कौन अपना रविंद्र रैना जी, इनको पूछा जाए कि इनका 20,000 वोट होगा, 10,000 होगा, 5,000 होगा, किसको डाला इन्होंने, क्या कोई बीजेपी का खड़ा था? बैट बॉल को फिर आप मुझे बताए, हमें बोलते हैं कश्मीरी लीडर बुरे हैं, और खुद उनकी उसको सपोर्ट किया नहीं किया, सबको पता है कि, लेकिन हमें क्या कहते हैं कश्मीर वाले पाकिस्तान, कश्मीर वाले अरे वह है क्या यार पाकिस्तान। लेकिन अभी अभी ये भी एक चीज़ हुई ना, अभी योगा डे पर थोड़े दिन पहले ही प्रधानमंत्री कश्मीर में आए, कुछ घोषणाएं भी की, और ये कह के गए जल्द इलेक्शन होंगे, जल्द स्टेट उड़ देंगे, घोषणाएं ही रहेंगी, कभी मिलेगा? तो देखो उनके बहुत पावरफुल लीडर थे, जब उनको 15 लाख के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला था, वो जुमला था, ये 10 साल से जुमले ही चल रहे हैं ना, क्या स्टेट उठ देंगे, किसको देंगे, क्या फिर आगे ये आप सोचिए, क्या जो हमारी यहाँ की इकाई है बीजेपी की इकाई है, मैं बीजेपी पर विचार करता हूँ, क्या बीजेपी इकाई ने क्या संघर्ष किया इसके लिए, कोई बोला नहीं बोला? कुमेंद्र गुप्ता ही देखे मैंने परसों सवारी में बैठे हुए, अरे यार यू आर द डिप्टी सीएम और बैठे अपनी सरकार के खड़ा 4 दिन के, क्यों जो भी है एक दिन क्या भी है, टैग तो है ना, टैग लगने का मतलब बैठे, बैठने का मतलब कि आप अपनी सरकार के खिलाफ बैठे हो, तो फिर क्या पावर से, मतलब ये 24 मैं तो नल्ले बोलता हूँ इनको हर बार, जो 24 बंदे हमारे लोगों ने झोली भर के इनको वोट दिए थे, दिए थे ना इन्होंने, कहाँ वो कहाँ के जुड़े जाके महबूब भाई के साथ, आज उन्हीं को गालियाँ निकालते हैं, पानी पी कर कोसते हैं ना, और वो 24 आज वो 24 लोग कहाँ हैं, स्टेट टूटी, हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, रोडों पे हैं, कोई मार खा रहा है, कोई बुशारें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, कहाँ हैं वो, कहाँ हैं, क्यों नहीं उनके साथ खड़े होते वो, मुझे बताया जाए, ये दुकानें टूटने वाली आगे एक साइड मैंने देखा एक ग्रुप था, दूसरी साइड दूसरा ग्रुप था, तीसरा मतलब तीन थी, एक और भी टीम थी, तीन टीमें चल रही थी, क्या मतलब, अगर खड़ा होना है उन बच्चों के साथ खड़े जिनके जो फॉर्म्स भरते हैं बेचारे क्रैश हो जाते हैं। अभी 4,000 नौकरी निकली है, वो बच्चे भी अपनी ओवर एज के लिए रो रहे हैं क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं, अगर एज इलेक्शन मिलती है, क्योंकि 21 से 28 तक बोला है। सर मेरी बात सुनिए, जे 3 पेपर जो मतलब ख़त्म हो गए, बच्चों ने फॉर्म भरे, ख़त्म हो गए, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये एज रिलैक्सेशन, मैं वही बोल रहा हूँ कि जम्मू में ओनली एंड ओनली धरने, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, बस यही रह गया, यही जम्मू पे लाद के ये लोग चले गए हैं, जम्मू को एक काम पे लगा दिया है, ठीक एक काम पे, क्या बोलते हैं रोड बन रहे, ये दिखाते हैं रोड बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, और मेरे भाई एरिया कितना है यार जम्मू का, कितना एरिया है मुझे कोई बताओ, और उधर से बोर्ड पड़ो तो इधर से वो 370 में खड़ा ख़त्म हो जाता है, 380-390 में ख़त्म हो जाता है, हमें ये रोड करने क्या, जब तक हमारे बच्चों को कुछ नहीं है, हमारे उनके लिए कुछ नहीं है, हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं है, हम जब बोलते हैं, जब हम कोई इनिशिएटिव लेने शुरू करते हैं तो ये लोग आ जाते हैं, आओ जी चलो जी हमारे साथ, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज मैं आज कहाँ कैमरा पूछता हूँ, कहाँ हमारे भला साहब, क्यों नहीं पूछा उन्होंने भाई तू तो कहाँ है, क्यों नहीं पूछा सोलंकी जी ने भाई वो जिस आदमी को हमने वो किया था वो कहाँ है, यादव जी ने क्यों नहीं पूछा कहाँ है वो, मैं किसी की पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर, मैं इंडिविजुअली एक बात कर रहा हूँ कि ये लोग ऐसी पॉलिटिक्स खेलते हैं कि जो आगे आना चाहता है उसको उठा के फेंक देते हैं। बहरहाल 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ, मैंने जब ये हुआ था उसके बाद भी कहा था कि जम्मू फॉर सेल, वो इसलिए कहा था कि जे एंड के में जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं, जे एंड के को कहीं ना कहीं बेचने का जो काम है वो कर रहे हैं, और वो हो भी रहा है।
अब पहली स्टेट थी, स्टेट के बाद यूटी बनाई, यूटी के बाद एलजी को पावर्स दे दी, और एलजी की पावर्स के बाद भी जम्मू कश्मीर में किस तरह से कामकाज हो रहे हैं ये आप कुछ जान सकते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम जी बोलते हैं ना, दूध का जला झाँच भी भूख फूक कर पीता है। अपना समर्थन दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने इनकी जो बुक्कत थी वो नहीं डाली। और सबसे बड़ी बात, एमपी का फॉर्म इन्होंने अपना जो था वो फाड़ दिया था श्री रमन भल्ला जी के लिए, लेकिन भल्ला साहब इनके पास नहीं आए। अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पुरुषोत्तम सिंह जाड़ जो है वो आपको ज़रूर दिखेंगे। बहरहाल जरूरी नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट, जरूरी नहीं है, वो पार्टियाँ बहुत हैं, पार्टियों में कोई, जब तक कोई पार्टी नहीं, हाँ जब तक कोई नहीं तब तो चलेंगे, जैसे चलते हैं सोशल काम करते हैं करते रहेंगे। ये सोशल एक्टिविस्ट है और कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, अभी तक इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अगर पार्टी नहीं होगी लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट